मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची की जारी। पिछोर विधायक केपी सिंह को घेरने भाजपा के प्रीतम लोधी का टिकट किया फाइनल। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में संभावित तारीख घोषित होते ही प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के 39 का ऐलान कर दिया है। पिछोर में कांग्रेस से केपी सिंह कंगाजू के अलावा कोई और दावेदार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस की तस्वीर पहले से ही साफ है। वह दूसरी ओर आज भाजपा की पहली सूची में प्रीतम लोधी को पिछोर विधानसभा 26 से उम्मीदवार बनाया गया है। लोधी को तीसरी बार मैदान में उतारा है। 30 साल से पिछोर विधानसभा सीट पर काबिज केपी सिंह को घेरने में प्रीतम सिंह कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में जीत का अंतर बहुत अधिक नहीं था, इसलिए इस बार मुकाबला कड़ा होगा। बीते चुनाव में मुकाबला करीबी रहा था। नतीजे में भाजपा ने प्रीतम लोधी को फिर से चेहरा बनाया है और प्रीतम सिंह की सेहराबंदी के लिए एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। खनियाधाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट।